हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इनसाइड हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक किले शेरगढ़ के सुनहरे इतिहास के बारे में, जो फिलहाल खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इस किले के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की मूवी कप्तान की शूटिंग इसी किले में कम्प्लीट हुई थी। साथ ही हम बात करेंगे इस किले का निर्माण किसने और कब कराया और इसका नाम शेरगढ़ क्यों पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शेरगढ़ का यह किला राजस्थान राज्य के बारां जिले के शेरगढ़ गांव में स्थित है। यह बारां जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। शेरगढ़ किले का निर्माण कोसवर्धन पर्वत पर 790 ईस्वी में सामंत देवदत्त द्वारा कराया गया था। बारां जिले से लगभग 65 किलोमीटर दूर शेरगढ़ गांव परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसे शासकों के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान माना जाता था। वर्षों तक कई राजवंशों द्वारा शासित शेरगढ़ किले के एक पुर्च के आलय की नई तिवारी में संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में लिखे हुए एक शिलालेख द्वारा प्रमाणित होता है कि 790 ईस्वी में यहाँ सामंत देवदत्त का शासन रहा था, जिन्होंने इस स्थान पर कई जैन, ब्राह्मण तथा बौद्ध मंदिर एवं मठों का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में यह स्थान कृषि, व्यापारिक, आर्थिक एवं रणनीतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अतः राजा कोसवर्धन ने इसका नाम कोसवर्धनपुर रखा, जिसका मतलब होता है निरंतर धन में वृद्धि करने वाला। दोस्तों, बाद में 15वीं शताब्दी में सूरी वंश के शासक शेर शाह ने आक्रमण कर इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब से इसका नाम शेरगढ़ पड़ गया। इतिहास में इसे शेरपुर एवं शेरकोट इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह ने यहाँ पहले से मौजूद मंदिरों, भवनों एवं इमारतों को ध्वस्त करके नए सिरे से निर्माण कराया था। यहाँ मौजूद खंडहरों में आज भी बेगम व नवाब की मेहराबदार झरोके युक्त हवेलियाँ मौजूद हैं, जो मुस्लिम शैली को एक उदाहरण के रूप में बयां करती हैं। शेरशाह ने पूर्व स्थापित शेरगढ़ के बाहर एक और किले का निर्माण कराया था। दोस्तों, किले के पीछे के हिस्से की तरफ जब घूमने के लिए जाते हैं तो परवन नदी का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही इसके ऊपरी हिस्से पर एक एडवेंचर बालकोनी भी मिलेगी, जहां से परवन नदी और खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके नज़दीक एक सुसाइड पॉइंट भी मौजूद है, जहां से आप किले का एक अद्भुत अनुभव महसूस करेंगे। बाद में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने इसे कोटा के महाराजा भीम सिंह को तोहफे के रूप में दिया था। बाद में झाला झालम सिंह ने किले के अंदर नए महल और अन्य महत्वपूर्ण भवनों का पुनर्निर्माण भी कराया था। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए जो भवन बनाया था वह हवेली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी मौजूद है। इस किले में झालम सिंह ने अमीर खान पिंडारी को आश्रय दिया था। शेरगढ़ किले में मौजूद सोमनाथ महादेव, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर और चार भुजा मंदिर हैं। इसके अलावा भव्य राजप्रसाद हवेली, अमीर खान का महल, सैनिकों के घर, अन्न भंडार आदि।